अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों के साथ बात करेंगे जी कि जो क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि इंडिया में जो है वो टैलेंट की कमी है और इंडिया में जो है टैलेंट बिल्कुल नहीं है, उनको भी आज इंडिया ने बता दिया कि इंडिया में कितना टैलेंट है। इंग्लैंड को ना सिर्फ टेस्ट हराया बल्कि T20 भी हराया, ODI भी हराया, और कंप्लीट बात करेंगे इसके ऊपर भी कि और क्रिकेटर्स भी क्या कहते हैं सवाल से। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद, बहुत से लोग कहते थे कि यार इंडिया में टैलेंट नहीं है, इंडिया में टैलेंट की बड़ी कमी है, ये है वो है, टैलेंट इस तरह है उस तरह है, तो ये क्या, ये इंडिया की अनटैलेंटेड टीम थी जिसने हरा दिया इंग्लैंड को? देखिए वही बात है कि हम इसलिए हम बहस करते हैं कि पहले आपको सोच के बोलना चाहिए, पहले तोलो फिर बोलो। अगर आप पहले से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दोगे तो फिर बाद में आपको खुद ही शर्मिंदगी होती है, क्योंकि देखो इंडिया ने जिस तरह की इस टाइम क्रिकेट खेल के दिखाई है, पूरी वर्ल्ड को बता दी कि भाई वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को जिस तरीके से ODI में मारा है, तो इंग्लैंड ने बता दिया कि भाई पहले हम टेस्ट के भी चैंपियन हैं और हम टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। जो लोग सवाल उठाते थे कि जी खाली घर में जीते हैं, घर में फलाना करते हैं, उन्हें बताया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के। हाँ। फिर उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने, अब T20 में लोग कहते हैं चलो T20 में तो इंडिया की वो गेम नहीं है, वो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप सर पे आ रहा था, विराट कोहली पहले T20 सीरीज में खेलते नहीं थे। हाँ। अब देखें विराट ने किस तरीके से T20 में खेला भी है और दमदार परफॉर्मेंसेस दिखाई है, शानदार 50-50 उन्होंने बनाए T20 में और इंडिया को सीरीज भी जितवाई। आज ODI मैच का फाइनल मैच था, सीरीज 1-1 से बराबर थी, इंग्लैंड मीडिया ने भी बड़ी हाइप बनाई हुई थी जी के ये हो गया, हमने वो क्ला कर दिया, हम वर्ल्ड चैंपियन है। दूसरे मैच के बाद बहुत फड़लियां मार रहे थे, बहुत भड़कियां दिखा रहे थे, और उसके बाद जे वाली जो विक्ट्री जो इंडिया को मिली है, देखिए बहुत सारे उन लोगों को भी जवाब मिला है जो कह रहे थे जी कि इंडिया में क्रिकेट टैलेंट नहीं है, इंडिया का टैलेंट उतना बड़ा नहीं है। रजाक ने ये बात की थी कि इंडिया में इतना टैलेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपकी जो बाकी काफी सारे इवन पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो बड़ी बड़ी बात करते थे, सलमान भाई। देखिए बात यह दाऊद कि आपको जो है ना हक सच की बात करनी चाहिए, आपको इससे वॉइस हो जाना चाहिए कि यार क्रिकेट की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर कहीं लड़के परफॉर्म कर रहे हैं ना तो फिर वो कर रहे हैं। अगर आप अभी भी देखें तो इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम अभी भी नहीं थी, इंग्लैंड की मुकम्मल और फुल स्ट्रेंथ टीम थी। इंग्लैंड की मैं एक बात कहना चाहूंगा, रमीज राजे हमेशा अगर आप उनका एनालिसिस देखें तो वो जेन्युइन बात करते हैं, वो ऐसे आपको और भी हमें बंदे चाहिए, वो सच को सच और झूठ को झूठ कहना जानते हैं। जब इंडिया अच्छा नहीं खेलता वो इंडिया की साफ बुराई करते हैं, जब इंडिया अच्छा खेलता है तारीफ करते हैं, पाकिस्तान अच्छा खेलता है वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता पाकिस्तान की बुराई करते हैं, कि यही फ्लॉस बताते हैं कि भाई ये गलत है ये गलत है। अब कुछ लोग बुरा मना जाते हैं, हम भी वो बात करते हैं, लोग बुरा मना जाते हैं भाई आपने ये क्यों बात कर दी, आपने वो क्यों बात कर दी। यार देखो बात यह है कि अगर हम यहां पे बैठे हुए हैं ना और अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हमें अपने इस कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं किया, फिर हमें यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। बाय द वे आज क्योंकि होली भी मनाई जा रही है पूरी दुनिया में इंडिया समेत, तो उन तमाम लोगों को जो है वो हमारी मतलब मैंने यूं इसलिए कहा कि बुरा ना मानना होली है। हाँ, तो इसलिए उन तमाम लोगों को जो है वो होली मुबारक। हाँ, बिल्कुल जाके सेलिब्रेशन करें और ये खुशियां, मैं फिर एक बात कहूंगा, पहले भी मैं बात कर रहा था कि ये वो चीजें हैं कि ये खुशियां होती हैं छोटी छोटी सी जो आपको मनानी चाहिए और छोटी खुशियां खुल के मनानी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम है और मुसीबतें और गम तो हर टाइम आपके दरवाजे पर खड़ा ही रहता है, चाहे कोरोना की सूरत में, चाहे कोई घर में कोई प्रॉब्लम, या डिफरेंट प्रॉब्लम आती है। एक कोई मैच टीम जीत जाती है वो बड़ी खुशी होती है, कोई ऐसे त्यौहार आपके आ जाते हैं, फेस्टिवल आ जाते हैं, क्रिसमस आ जाती है, ईद आ जाती है, वो ये चीजें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं, रिलैक्स भी करती हैं, और एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे को ये चीजें बहुत पसंद होती है, और हमें तो भाई इस चीज के बहुत खुशी होती है कि कोई भी इवेंट आए, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, खुल के मनाओ। चाहे जो अंकल बुरा मनाते हैं होली के, भाई उनके उन पे रंग नहीं फेंकना, तो उनके ऊपर भी रंग फेंक दो और उन्हें कह दो भाई होली अब बुरा नहीं मनाना। बाय द वे चले मैं फिर कमिंग बैक टू मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारा टॉपिक यही था। देखिए मैं वही बात कर रहा था कि आपको खुल के अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेस करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी जगह अब ये बात चल रही है कि इंडिया ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को हराया। देखिए विदाउट एनी डाउट जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, एक्चुअली चैंपियन इंडिया तभी बनेगा जब 23 का वर्ल्ड कप जीतेगा, जैसे 2011 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप MS धोनी ने जितवाया था इंडिया को, तो रियल मायनों में वही बना था। बात ये की जा रही है इस टाइम, ये नहीं हम कह रहे हैं इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप जीत गया, ये गलत बात है, अगर कोई ये बात समझ रहा है तो ये मिस कोट की जा रही है। बात ये है इंग्लैंड की ये प्रॉपर सीरीज थी वर्ल्ड कप के बाद, नंबर वन वो टीम थी, ODI की सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया है इंडिया ने, और इंडिया देखे इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन था और उसको उनके अपने पसंदीदा फॉर्मेट ODI में भी, T20 में भी और टेस्ट में भी फॉर्मेट्स में मारा है, तो इसलिए बात की जा रही है कि इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन को
ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड बल्कि आईसीसी की जो रैंकिंग है ओडीआई की उसमें भी नंबर वन है। ऐसा ही और बाय द वे मैंने पहले भी बताया था कि जो रैंकिंग आई है उसमें इंग्लैंड बदस्तूर सरफहरिस्त है, नंबर वन ही है इंग्लैंड। अलबत्ता इंडिया को इस जीत के बाद 10 आईसीसी ने पॉइंट जरूर कहा है कि ये लें आप बटोर लें। लेकिन अली आपको इस पूरे मामले में विराट की कप्तानी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से लोग और हिटर्स उनके पर सवाल उठा रहे थे कि ये फलाना है ये जलता है, रोहित फलाने से जलता है, विराट रोहित से जलता है। देखिए आज के मैच में भी दोनों जिस तरीके से नजर आए दोनों की क्या देखिए आप वो चीज खत्म हो गई है। ये चीज कोई अगर कहता है तो बकवास करता है कि जलता है या इस तरह होता है वो होता है, दोनों आपस में बहुत ज्यादा जल रहे हैं। स्पेशली लास्ट ओवर में हमने देखा कि जिस वक्त जो है मैच निकलने लगता है हाथ से विराट कोहली लाजमी रोहित शर्मा को बुलाते हैं, वहां पर मशवरे चल रहे होते हैं, रोहित शर्मा बॉलर को आगे पूरा पूरा कहते हैं कि भाई ये नहीं करना आपने इस तरह बॉल डालना है। स्पेशली हार्दिक पांड्या जो ओवर कर रहे थे उसमें रोहित शर्मा बड़ा आके बार बार हार्दिक पांड्या से बात कर रहे थे, बार बार आ रहे थे, रोहित शर्मा भी मैच में इन्वॉल्व थे। बरह मैं बात एक और ये भी साथ करना चाह रहा था कि वो तमाम लोग भी जो शुरू में नहीं मान पा रहे थे जी कि इंडिया जो है वो फलाना पिचेस बना के जीता है या इंडिया की जीत पे नहीं मान रहे थे, उनको भी जवाब मिला। जैसे इंजी आए थे, इंजी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड है विदाउट एनी डाउट, लेकिन जब टेस्ट मैच जीता था इंडिया ने तो इंजी आए, इंजी कहते हैं जी आईसीसी को चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले, कैसी पिचेस बना ली हैं, ये टेस्ट क्रिकेट की इंडिया जो है वो बेइज्जती करवा रहा है, एक ऐसी बात कर रहा है। तो देखें अब तो इंजी को भी जवाब मिल गया कि भाई इंजी ये तो फ्लैट ट्रैक से फटे थे, जोनसा अगर आप देखेंगे ये पिचेस को जोनसा पिचेस देखेंगे तो बिल्कुल ये जोनसा फ्लैट ट्रैक्स थे, जोनसा पिचेस अगर आप देखेंगे तो जोनसा फ्लैट ट्रैक्स थे। तो अभी देख ले तो फ्लैट ट्रैक्स में भी इंजी क्योंकि हर बात में जोनसा बोलते हैं, जोनसा जोनसा तो जोनसा फ्लैट, ये हमने मिलके जोनसा जोनसा खेला था, बड़ा अच्छा अच्छा जोनसा हुआ था, तो जोनसा फ्लैट ट्रैक्स मिले हैं इन जोनसा पिच में भी जो है वो इंग्लैंड को हार हुए। तो अब आपको ये नहीं बोलना चाहिए, अब सलमान भट्ट साहब हैं वो कहते थे जी के अब जब हरा कर आया तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा तो वो कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ही ठीक नहीं है, कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की टीम ही ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब उनको भी जवाब मिल गया कि भाई आप कहते थे जी ऑस्ट्रेलिया की वो टीम ही ठीक नहीं थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भट्ट साहब कभी हरा के दिखा दे मुझे, कोई सलमान भट्ट को अपने एवरेज बता दे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई इन्होंने कितना रन बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप हुए ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों विकेट्स में, जो इन्होंने रन बनाए वो एशियन कंडीशंस में इनका रन है। अगर आप इनके एवरेज देखेंगे ओवरसीज में कोई इतनी अच्छी इनकी एवरेज नहीं है और टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी खास इनकी एवरेज नहीं है ओवरसीज में। बरअल सलमान भट्ट भी यही बात कर रहे थे जी कि अच्छी टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो भाई आप इंग्लैंड की टीम बता दो ये तो वर्ल्ड कप विनर है ना, ये तो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, इस पे तो आप सवाल नहीं उठा सकते ना कि इसको भी आप कह दो कि वर्ल्ड कप ऐसे ही हो गया था बस। हाँ। वो ऐसे घर के अंदर एक कमरे के अंदर बंद करा के हमने अपने स्टूडियो में करवा दिया था वर्ल्ड कप, ऐसे ही है ये विकेट है ये देखो ये विकेट लगी हुई है साथ तो ये इसी विकेट के अंदर खेला गया था, तो ये आप कह दो फिर देखिए मानना पड़ेगा आपको। अब बाकी भी काफी सारे लोग थे जो कहते हैं जी टैलेंट नहीं है फलाना नहीं है या जो भी अपने मकसद से, देखें आपको हकीकत बात है कि यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं इवन बाकी जगह भी अब काफी लोग हैं जो अपने मकसद के लिए भी बात करते हैं, जाहिर है अगर आप क्रिटिसाइज करते हो आपको जॉब मिल जाएगी। अब शोएब अख्तर की मिसाल आपके सामने है। हाँ। अब शोएब अख्तर ने जब वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जब 20 में नहीं हो पाया था 21 वाला जो है और आईपीएल हो गई थी, शोएब अख्तर आ गए थे, क्या कहते हैं शोएब अख्तर ने कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड T20 जाए भाड़ में और आप करा लो आईपीएल करवा लो। अब देखो अब उन्होंने कोई इस वजह से उन्होंने भी कोई इस वजह से बात की थी क्योंकि उनका नाम आ रहा था उस टाइम कि वो चीफ सेलेक्टर में बन सकते हैं, चीफ सेलेक्टर में उनका नाम आएगा। तो हमने देखा है कि जितने क्रिकेटर्स बीच में हैं वो जब को लगता है कि उनका पावर सेट हो रहा है फुदू खाता लगने वाला है तो वो करते हैं ये फिल्म। हमने देखा है कि वो फिर बात जो है वो पटरी से उतरते हैं और जो खिलाफ दो चार बयान देते हैं और उनको हाइप मिल जाती है और उसके बाद जो है वो अच्छी खासी उनको जॉब मिल जाती है। तो हमने देखा है जिस रहा है पास में भी आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपको जॉब मिल जाती है आप कोई ऐसी बात करते हो, इवन यहां तक तो ऐसा चल रहा होता है ना कि पीसीबी को आप रगड़ो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। इतने सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं इतने सारे, अब हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे और ना हम यहाँ बैठे कि किसी की हम बात करें या किसी की हम टांग बुराइयां करें किसी की बुराई करें, लेकिन हकीकत बात है इतने सारे चैनल्स हैं यहाँ पे जो खाली पीसीबी को रगड़ते हैं और उनको जॉब मिल जाती है, पीसीबी बुला लेता है स्पेशल बुलाता है बहुत बुला लेता है जॉब लिटरली हम यहाँ बात नहीं करें कि यहाँ पे पीसीबी को जॉब पे बुला लेता है, इसलिए हम तो कभी भी ऐसे फजूल में बात भी नहीं करते। अभी रिसेंटली ये हुआ था कि पीएसएल के अंदर भी अगर आप बात कर लें तो वो कौन से क्रिकेटर थे जिनको जो फिर कमेंट्री पैनल पहले उनका नाम नहीं आया था, आमिर सोहेल का नाम नहीं आया था कमेंट्री पैनल के अंदर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आमिर सोहेल हमें रगड़ेंगे तो उन्होंने कमेंट्री पैनल में उनका नाम डाल दिया, आमिर सोहेल का नाम डाल दिया। फिर इंजमामुल हक थे, इनको हमें क्रिटिसाइज ना करें, इनको डिजिटल पीसीबी ने चलाया था कि वहां पर एनालिसिस देंगे वहां पर इंजी को रख लिया, तो सब ऐसी रखे बासित अली थे उनको इन्होंने वहां पर जॉब दे दी, अपना सकलैन था उसको जॉब दे दी सकलैन मुश्ताक को, नजर नहीं आते ना बात से पहले भी नजर आते हैं। हां जिस जिसको जो पीसीबी के खिलाफ बोलता है उनको खुली जॉब्स जो ऑफर हो जाती हैं।
बात यह कि देखें हमारा अली कोई एजेंडा भी नहीं है, पर ऐसी बात तो है नहीं कि हमें पाकिस्तान में नहीं देखा जाता। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपने किसी को जज करना है ना कि उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है और वो सच बोल रहा है कि बस हवा में तीर मार रहा है, उसको अपनी कंट्री से जज करें, उसको आप जज करो कि उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स में जाओ और जाके देखो कि उसको लोग कितना ज्यादा फॉलो करते हैं। हमारे फेसबुक पे जाओ, आपको मिल जाएगा वहां पे हमारा जो क्रिकेट लवर अली के नाम से, वहां पे हमें 1.5 लाख लगभग लोग हमें फॉलो करते हैं, सारे के सारे 95% वहां पे जो पाकिस्तान से हमें फॉलो करते हैं। तो बात यह है कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की भी, हम चाहते हैं क्रिकेट ठीक हो जाए, हम तो इसलिए बैठे हैं, हम तो वहां पे भी जो ठीक होता है हमारा भी दिल करते हैं यार, हार्ड हिटिंग हो हमारी क्रिकेट में, हमें छक्के देखने को मिले, कब हम निकलेंगे इसमें से 250 ओवर में, 120 ओवर में, हम वहां बैठ के बात करते हैं और पाकिस्तान की भलाई के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधा रास्ता दिखाते हैं, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हल्की फुल्की अच्छी बात करते हैं, वहां पे तारीफ भी करते हैं पूरा सपोर्ट करते हैं, वही बात है कि हम तो वहां जाके बात करते हैं, लेकिन हमने खाली इसलिए सेपरेट बात करते हैं दोनों जगह, एक जगह पाकिस्तान और इंडिया के, एक साथ बात नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है कि फैंस कुछ आ जाते हैं और नीचे लड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं फिर बात फिर वही करूंगा जी कि जिसके अंदर जो जज्बे वाली बात होती है ना और जो बहादुरी वाली बात होती है, वो यहां बैठ के कभी भी नहीं आपको पता चल सकती कि मैं स्टूडियो में अपने एसी लगा के हम बैठे हुए और यहां पे बातें कर रहे हैं। बात होती है कि जब आपने हम, क्योंकि देखिए हम ग्राउंड्स में भी जाते हैं, हम क्लब्स में भी जाते हैं, वहां पर भी खिलाड़ी मसाइल पूछते हैं, वहां जाके आपने और हमने जो है वो इंडिया की शर्ट पहन के लोगों से पब्लिक रिव्यू लिया, पब्लिक रिव्यू ये नहीं कि बस खाली बता के या दो चार लोगों खड़ा करके, पूरे पब्लिक पार्क्स में जाके जो हमने, और पाकिस्तान का तारीखी जो है वो है लियाकत बाग जो पार्क है जहां पे आपको पाकिस्तान का हिस्सा, आप जाइए देखिए आपको वीडियो मिलेगी, मैंने इंडिया की शर्ट प्रॉपर पहन के निकला हूं और पहन कर वहां पर हमने वहां पे शूट किया पूरा, वहां पे जो है हमने लोगों से पूछा कि बताएं जी आपको इंडिया की टीम पसंद आया कि नहीं, कि आप इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं या इंडिया की टीम को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। तो हमने ये काम किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि खाली हम यहाँ बैठे हैं और बस खुली बस हवा में तीर मार रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात यह कि हम बाहर भी निकलते हैं, खाली ये नहीं कि बस स्टूडियो में बैठे हैं अपने और यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो मकसद ये है कि हम बाकियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप ऐसी कोई बात ना कर दो कि आपको बाद में शर्मिंदगी हो, जैसे फिर बाद में आपकी आपके पास उलट कर दी ना, आज इंडिया ने जीत लिया, आज इंडिया ने मैचेस जीत लिया और इस तरीके से इंडिया ने गेम दिखाई है, जिस तरीके की अगर आप इंडिया की गेम देखोगे, टेस्ट में भी उन्होंने जीता, T20 में भी उन्होंने जीता, ओडीआई में भी जीता, उन्होंने सबको जवाब दे दिया। बिल्कुल, तो इस वक्त के साथ हम इस शो करते हैं खत्म की, आपको पहले जो है जो भी बोलना है उससे पहले आपने थोड़ा बहुत सोचना है, तो उम्मीद करने का सच करने की नली, मैं आखिरी बात करना चाह रहा था फिर खत्म करेंगे बात, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले लिया, सच कहने की जो है ना वो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि सच थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन यकीन माने जब एक बार आप बोल देते हैं फिर बाद में आसानी होती है, ये मुझे जॉब मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये सब फजूल चीजें हैं, ये दुनिया है, यहाँ पे आती रहेंगी आपको चीजें और मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आप सच नहीं बोल सकेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो का पसंद आया है, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, दौड़ को फॉलो कीजिए, बिल्कुल मुझे भी फॉलो करें इंस्टाग्राम में, जाएं हमारा फेसबुक का न्यू पेज है क्रिकेट की दुनिया के नेम से, वहां पे आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स मिलती हैं, जाएं जाके और अपडेट्स ले लें वहां पर। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।